सेंसर्स वाइब्रेशंस को इतनी एक्यूरेसी से नापते हैं कि ऑपरेटर्स छोटे से छोटे वाइब्रेशन चेंजेस को भी डिटेक्ट कर सकते हैं पर तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वाइब्रेशन सेंसर्स की फंक्शनैलिटी एप्लीकेशंस टाइप्स उनके बेनिफिट्स और इंडस्ट्रीज में उनको कैसे यूज किया जाता है तो शुरू करते हैं वाइब्रेशन सेंसर्स की फंक्शनैलिटी से वाइब्रेशन सेंसर्स वे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो मशीनरी और इक्विपमेंट के वाइब्रेशंस को मेजर भी करते हैं और एनालाइज भी करते हैं जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस किसी भी मशीनरी को डैमेज कर सकते हैं इसलिए सेंसर्स इंडस्ट्रीज़ में मशीनरी की प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए एसेंशियल होते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस से किसी भी मशीनरी की लाइफ बढ़ जाती है वाइब्रेशन सेंसर्स ऑपरेटर को वैल्यूएबल डेटा प्रोवाइड करते हैं जिसकी हेल्प से ऑपरेटर वाइब्रेशंस को रियल टाइम में मॉनिटर और एनालाइज कर लेता है इससे ऑपरेटर इशूज़ को आइडेंटिफाई कर लेता है जिससे कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होती है और इक्विपमेंट फेलियर और डाउन टाइम से बच जाता है इसके एप्लीकेशंस को समझते हैं वाइब्रेशन सेंसर्स आपको लगभग सभी इंडस्ट्रीज में मिल जाएंगे जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, पावर जनरेशन ऑयल एंड गैस एंड एरोस्पेस इनके टाइप्स को देखते हैं वाइब्रेशन सेंसर्स कई टाइप्स के होते हैं जैसे कि एसेल वेलोसिटी सेंसर्स और डिस्प्लेसमेंट सेंसर्स हर टाइप का अपना यूनिक करेक्ट्रिस्टिक और एडवांटेज होता है इसके बेनिफिट्स को समझते हैं इसका पहला बेनिफिट ये है कि वाइब्रेशन सेंसर्स को इंस्टॉल और कन्फिगर करना आसान होता है दूसरा बेनिफिट उनकी सेटिंग्स को एडजस्ट करके स्पेसिफिक प्रोसेस रिक्वायरमेंट्स के लिए यूज किया जा सकता है यही फ्लेक्सिबिलिटी इनको कई एप्लीकेशंस के लिए आइडियल चॉइस बनाती है तीसरा बेनिफिट इन सेंसर्स को बहुत कम मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है तो इसलिए ऑपरेटर्स रेगुलर इक्विपमेंट मेंटेनेंस के बिना भी प्रोसेस पर फोकस कर सकते हैं वाइब्रेशन सेंसर्स का सबसे बड़ा बेनिफिट इसकी एक्यूरेसी होती है ये सेंसर्स वाइब्रेशंस को इतनी एक्यूरेसी से नापते हैं कि ऑपरेटर्स छोटे से छोटे वाइब्रेशन चेंजेस को भी डिटेक्ट कर सकते हैं जितने ज़्यादा वाइब्रेशंस होंगे वो उतने ही ज़्यादा मशीनरी के लिए हार्मफुल होंगे इसी को ध्यान में रखते हुए मशीनरी को एक हाई वाइब्रेशन लेवल पर ऑटोमेटिक ट्रिप या स्टॉप भी कराया जाता है जिससे कि मशीन सेफ रहे ये कैसे किया जाता है अब इसको समझा जाए वाइब्रेशन सेंसर्स का आउटपुट इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है ओवरऑल वाइब्रेशन लेवल के अकॉर्डिंग ये सेंसर्स फोर टू ट्वेंटी मिली एमपियर सिग्नल्स आउटपुट देते हैं जिसे पी एल सी डी सी एस या कंट्रोलर को भेज दिया जाता है जो ज़्यादा वाइब्रेशन लेवल्स पर मशीनरी को स्टॉप करा देते हैं और मशीन फेलियर होने से बच जाती है वाइब्रेशन सेंसर्स की हेल्प से ऑपरेटर्स इजीली इक्विपमेंट को मॉनिटर और एनालाइज कर पाते हैं तो आज की वीडियो में इतना ही उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी होगी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद